देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामले को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। अदालत ने जेलों में भीड़भाड़ के चलते फैलने वाले संक्रमण के खतरे को मद्देनजर रखते हुए कैदियों को बाहर निकलने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 7 साल तक की सजा के मामले में आरोपियों और दोषियों को जमानत या पैरोल पर छोड़ दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके लिए राज्य सरकारें हाई पावर कमेटी बनाए। इस कमेटी में लॉ सेक्रेटरी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के चेयरमैन, जेल के डीजी शामिल होंगे। ये कमेटी तय करेगी कि 7 साल की सजा वाले मामलों में किन दोषियों और अंडर ट्रायल कैदियों को पैरोल या अंतरिम जमानत पर छोड़ा जा सकता है, ताकि जेल में भी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जा सके। देश में कोरोना वायरस की वजह से मरीजों की संख्या 428 पहुंच गई है। इसमें 354 केस एक्टिव हैं। देश में 28 मरीज इस वायरस के संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। कोरोना की चपेट में आकर अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है। आंकड़ों की बात करें तो आंध्र प्रदेश में 1, बिहार में 3, छत्तीसगढ़ में 1, चंडीगढ़ में 6, दिल्ली में 26, गुजरात में 18, हरियाणा में 23, हिमाचल प्रदेश में 2, जम्मू कश्मीर में 4, कर्नाटक में 26, केरल में 67, लद्दाख में 13, मध्य प्रदेश में 6, महाराष्ट्र में 74, उड़ीसा में 2, पांडुचेरी में 1, पंजाब में 13, राजस्थान में 25, तमिलनाडु में 7, तेलंगाना में 27, उत्तर प्रदेश में 29, उत्तराखंड में 4 और पश्चिम बंगाल में 7 केस सामने आए हैं। सफाई का विशेष ध्यान रखें। अपनी सुरक्षा ही अपना बचाव है। धन्यवाद। जय हिंद।